खबर बलिया से है, जहां ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में प्रदेश से लेकर जनपद स्तर पर 8 जुलाई से लगातार शिक्षक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक स्कूल में शिक्षण कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दे रहे। फिर जिले के शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से डिजिटल हाजिरी सहित डिजिटलीकरण को तत्काल निरस्त करने, अविलंब पुरानी पेंशन बहाली, वर्षों से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया को पूर्ण करने, निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा एवं सामूहिक बीमा, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना, हाफ डे आकस्मिक अवकाश अर्जित अवकाश प्रदान करने, शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों को नियमित कर समान वेतन देना, स्थानांतरण करना आदि मांगें की गई है। जी, अपना एक नाम और परिचय बता देते हैं आवाज में। जी, मेरा नाम समीर कुमार पांडे, हम लोग पेंशन बचाओ मंच अटेवा बलिया के, मैं जिला अध्यक्ष है और उसके लिए संघर्ष कर। अभी क्या मामला है, आप लोग भारी संख्या पे कहाँ पे आए हुए हैं? देखिए, मूलतः हम लोग पेंशन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन यह चूंकि सरकार के द्वारा बिना सोचे समझे, बिना किसी मतलब भूमिका के, बिना किसी मतलब बड़े कार्यक्रम को करने के पहले जो एक तरह से प्रयोग किया जाता है, रणनीति तैयार की जाती है, उसको बिना किए इसने ऑनलाइन हाजिरी शिक्षकों पर थोप दिया। तो हमारे नेतृत्व ने यह संकल्प लिया कि पूरे प्रदेश के शिक्षकों को एकजुट करते हुए हम लोग इस ऑनलाइन शिक्षा ऑनलाइन हाजिरी का प्रखर रूप से विरोध करेंगे और इस लड़ाई में हम शिक्षकों के साथ या प्राथमिक शिक्षक संगठनों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान ली नहीं जाती। क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, मांगे तो बहुत पुरानी है, लेकिन शिक्षक जो है उसी मांगते हुए लगातार काम कर रहे थे और किसी भी तरह से अपने को सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन यह जो तत्कालिक मैंने एकदम 8 तारीख से 15 तारीख को होना था, 8 तारीख को ही थोप दिया गया और इस तरह से जो पुरानी मांगे थी वह मुखर होकर सामने आ गई और लोगों को यह लग रहा है कि इसमें जो तमाम परेशानियां हैं, जो संकट हैं, जैसे हाफ सीएल होना चाहिए, अचानक मान लीजिए कुछ किसी को दिक्कत आ जाती है तो वह कहाँ जाएगा, हाजिरी लगा चुका होगा वह कहाँ जाएगा, और गैर हाजिर होता है तो जो भी अधिकारी आएंगे वह उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि शिक्षक के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैला रखी गई है समाज में, चाहे सरकार के द्वारा, चाहे मीडिया के द्वारा, चाहे और भी जो प्रबुद्ध वर्ग है जो सरकार को सपोर्ट करता है उसके द्वारा यह भ्रांतियां फैला रखी गई है कि शिक्षक जो है काम चोर है। तो अभी आप लोग डीएम को पत्र दिए हैं? डीएम को पत्र दिए हैं। देखिए, यह कार्यक्रम हमारा निर्धारित होकर मोर्चे का आया था, इसमें 18 से अधिक संगठन प्रदेश स्तर पर एक जगह इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने संकल्प लिया है कि पहले 10 से 14 तक हम लोग काली पट्टी बांधेंगे, वह कार्यक्रम हम कर चुके। आज का कार्यक्रम हमारा पत्रक देने का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री को डीएम के माध्यम से, और फिर हम लोग यदि बात हमारी नहीं सुनी गई तो हम लोग निदेशालय का बड़े पैमाने पर घेराव करेंगे और वहां पर संघर्ष का एक नया रूप प्रदान करेंगे। जी, अपना एक नाम और परिचय बता दें। पंकज कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष। जी, जरा बताएं कि मुख्य तौर पे किन चीजों का अभी आप लोगों का मांग है और किस तरह के ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा है? ये जो है, ये शिक्षा मित्र कर्मचारी मोर्चा के तहत आज ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी महोदय, और शिक्षक की तमाम समस्याओं में हमारी भी समस्या है। हमारी समस्या है कि शिक्षा मित्र को नियमित ग्रहण किया जाए, जब तक नियमितकरण न किया जाए तब तक समान कार्य समान वेतन दिया जाए, और तमाम हमारी समस्या है जैसे महिलाओं को अंतर्जनपदीय और शादी हो गया तो उनको मूल विद्यालय, उनके वैकल्पिक के आधार पर उनको विद्यालय दिया जाए,